वीकेंड का वार संडे वाला था तो उसमें कुछ था नहीं इतना, तो उसके बारे में क्या ही बात करूं। बट आज के एपिसोड में मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इतना सारा मेरे को कंटेंट मिल जाए। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है। आगे आपके साथ एक और न्यू ब्लॉग लेके, आज का ब्लॉग बन रहा है कन्या जमाई अभी हमने, ठीक है ना। सुबह से सारे काम हो गए बट अब मेरा ये लंच करने का टाइम आ गया, पूरी हलवा हलवा सब्जी सब्जी, ठीक है ना गाइस। आज का ब्लॉग बहुत मस्त बनेगा, देखते रहो लास्ट तक, ठीक है। हेलो गाइस, कर लियो ओ छोरे, इग्नोर मी, इतना तकड़ा वो भी। चलो कोई बात नहीं, बाय बाय भाई साहब, बाय बाय भाई साहब, बाय बाय। तो गाइस अब शाम हो चुकी है, बताया आपको ये बात, और मैंने आपको कुछ व्लॉग में बना के नहीं दिखाया, बट डोंट वरी, मैंने आज आपसे बोला था ना व्लॉग के शुरुआत में कि आज का जो व्लॉग बनेगा बहुत सेंटी बनेगा। वो कैसे, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको। कल मैं गया था, कहाँ पर गया था कल मैं, मंदिर, जहाँ उस मंदिर में जाता हूँ ना, झंडे वाला देवी मंदिर जो है करोल बाग के यहाँ पे, झंडे वाला, तो वहाँ पर गया था। इतनी टॉप भीड़ और भाई साहब इतना तकड़ा क्राउड, मेरी बात आप मानो मत, ऐसे मत सुनो, ठीक है। डायरेक्ट वीडियो देखो, अब इस क्लिप के बाद आपको डायरेक्ट कल का पूरा व्लॉग देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, मज़ा आएगा उसमें पूरा, देखो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद आपको। तो गाइस घर से मैं निकल चुका है, अब कहाँ पर जाने के लिए, झंडे वाला देवी मंदिर। आज अपनी सवारी है रिक्शा, और देखो हमारे यहाँ कितनी सारी गाय माता बैठती है। चलो गाइस एक बार इसे वाइड एंगल करके देखूँ, चलो वाइड एंगल कर दिया। हाँ जी, अब देखो अकेला राजा जी चल रहा हूँ रिक्शा में। ओहो क्या टॉप लग रहा है ना आज, तो रिक्शे में बस रिक्शे वाला ही दिख रहा है वाइड एंगल में, और तो जल्दी कुछ दिख भी नहीं रहा। कोई बात नहीं, रिक्शे वाले को अपने भैया को हम फेमस कर देंगे। चलो गाइस अब करता हूँ सीधा मेट्रो स्टेशन पर पहुँचने के बाद बात, टाटा। आ गया अपनी फेवरेट जगह पे मैं, जो कि अभी लग नहीं रही मेरी फेवरेट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी गाड़ियाँ नहीं आई है ना इतनी, जब यहाँ पर जाम लगता है ना इतना टॉप लगता है देखने में भाई साहब, इस तरफ से पूरा वाइट वाइट और इस तरफ से पूरा रेड रेड हो जाता है, ठीक है ना। तो चलो तो गाइस आ गया मेट्रो स्टेशन के अंदर, बट मैंने टिकट नहीं लिया, ना ही मैं कार्ड लाया, ना ही आज मेरे पास पैसे हैं बिल्कुल भी, सिर्फ 20 रुपये कैश है जिसमें से 10 रुपये खर्च हो गया रिक्शा के, ठीक है ना। तो ये देख लो आज बिना पैसों के जर्नी करनी है मुझे। ऑनलाइन मैंने टिकट बुक कर लिया था फ़ोन से ही, टिकट भी फ़ोन पर आ गया, अब क्योंकि ऑनलाइन ही हो जाता है ना टिकट भी, तो इसीलिए मोबाइल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब करते हैं मेट्रो का वेट, जो कि आके चली गई, दिखाऊं, देखो जस्ट मेरे सामने निकल रही है। अब यहाँ पे खड़े हो गए, बस मेट्रो का वेट करते हैं, उसमें दिखा रहा है 4 मिनट बट आएगी 5 मिनट बाद, ठीक है ना गाइस। तो गाइस अपनी मेट्रो को हम टाटा बाय बाय करके निकल गए अपने स्टेशन पे, कहाँ पे पहुँच गए मैं दिखाऊँ, ये देखो जय श्री राम, ये रहे हनुमान जी की मूर्ति, और नीचे देख लो क्या जाम लग रहा है कड़ाके का, बट अपने को जाम से क्या लेने देना, क्योंकि अपने आप हमको तो सूरी पैदल जाना है, सूरी क्यों बोला मैंने आई डोंट नो गाइस अभी। तो गाइस आ गया उसी जगह जहाँ पे फ्लैट बहुत सारे, लेकिन मस्त लगे हैं ना देखने में, क्योंकि अभी ताज़े ताज़े बने हैं ना, इस वजह से बढ़िया लगते हैं। मैंने कैमरा खोला कि आवाज़ नहीं आएगी, बट कैमरा खोलते ही आवाज़ आने लगी, एक दो स्कूटी और एक दो गाड़ी आ गई, जो कि अभी फिर से गई, ठीक है ना। अब चलते हैं सीधा मंदिर के अंदर, ठीक है गाइस। यार मैं अभी तो लग रहा है मैं फुल बाजू की टी शर्ट पहननी है, गलत पहन के आ गया, बट नहीं, मुझे पता है अंधेरा होएगा ना, अपन को थोड़ा ठंडा लगने लगता है, ठीक है। कैमरा थोड़ा गंदा हो रहा है, बाद में बात करूँगा। देखो गाइस यहाँ पर क्राउड तो है आज तकड़े वाला, क्योंकि कई बार आ लिया ना मैं यहाँ पर, आज तक मैंने इतनी भीड़ तो देखी नहीं है, ठीक है, बट आज जो है पीछे रोड से दिख रही है, और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते तो पता चल ही रहा है कि भीड़ एग्जैक्टली है कितनी। ये छोटी छोटी दुकान भी लग रही है, बट अब जल्दी मंदिर पर चलते हैं, वहाँ पे भीड़ देखते हैं। लो जी पहुँच गए मंदिर के यहाँ पे, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ तो अभी यहीं से दिख रही है, तो अंदर तो जाकर पता ही नहीं चलेगा भाई क्या हाल होएगा आज भीड़ में, क्या हाल नहीं होएगा। पूरा मंदिर चेंज कर रखा है किस वजह से, नवरात्रों की वजह से।
तो गाइस बीच में मेरी अभी वीडियो अटक गई थी, पता नहीं बंद हो गई थी अपने आप, आई डोंट नो क्यों गाइस। तो हम प्रस्थान कर रहे हैं मंदिर की तरफ। और ये देखो इतनी टॉप सजावट कर रखी है ना यहाँ पे, दिल को छूने वाली सजावट हुई है गाइस आज मंदिर के अंदर। चलो जल्दी जल्दी अंदर मंदिर में चलते हैं, देखते हैं कितनी भीड़ है वहाँ पे। तो गाइस अंदर जाने की लाइन में आ गया, और भाई साहब इतनी ज़्यादा भीड़ तो मैंने इस मंदिर में आज तक देखी नहीं है। इस मंदिर में कितनी बार आ गया मैं ये देख लो, आपने मेरे व्लॉग भी देखेंगे, पर इतनी भीड़ नहीं। चलो गाइस यहाँ से मंदिर से मैं निकल गया, अब जल्दी जल्दी से यहाँ से बाहर जाने का रास्ता देख लेते हैं, आज पता नहीं मंदिर पूरा चेंज हो रहा है। चलो गाइस वहाँ से मैं निकल गया, बहुत शानदार चीज़ दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो हनुमान जी, और जस्ट हनुमान जी के मुंह के पास चंदा मामा दिख रहा है ना। अरे ये क्या हो गया, देख रहे हो ना कितना प्यारा लग रहा है। जय श्री राम, ये हनुमान जी। चलो गाइस कल का जो अपना व्लॉग बनाया था हमने, इतना ही बनाया था। अब मैं खड़ा खड़ा पता है क्या देख रहा हूँ, मुझसे शादी करोगी पिक्चर चल रही है, बहुत टॉप सीन आ रहा है, ठीक है। हनुमान जी का मुखौटा मंगा दे। चलो गाइस अपना डिनर हो गया कंप्लीट, ठीक है ना जी। अब मैं लगा रहा हूँ थोड़े से चक्कर, और क्या बताऊँ, क्या सुनना चाहते हो बताओ। बिग बॉस रिव्यू पहले देख लूँ, अब थोड़ी देर बाद बिग बॉस आएगा ना, उसको पूरा कंप्लीट देखूंगा, उसके बाद मैं क्लिप बनाएगा सीधा, ठीक है ना। तो बाय बाय। तो गाइस आ गया मैं आपके सामने फिर से अपनी बिग बॉस टिप्पणी लेके। तो क्या हो रहा है बिग बॉस में, जो मैंने आज का एपिसोड देखा, कल का वीकेंड का वार संडे वाला था, तो उसमें कुछ था नहीं इतना, तो उसके बारे में क्या ही बात करूं। बट आज के एपिसोड में मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इतना सारा मेरे को कंटेंट मिल जाए। किस चीज़ का कंटेंट मिला आपको बताऊँ मैं, बहुत सारे कंटेंट आज मेरे पास। पहले चलो स्टार्ट करते हैं। वो जो है नील साहब, मुझे बात करते टाइम मछली इसलिए बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि उस बंदे की याद आ गई। मैं बिल्कुल बिग बॉस जैसे मैं देख रहा था ना ध्यान से, वो बेचारा बंदा बोले जा रहा है बट उसकी कोई बात नहीं सुन रहा, तो एकदम चिल्ला के पड़ा वो मगा यार। उसके बाद भी जो उसे बात बोलनी थी वो बात नहीं बोली उसने, बोलने लगा फिर बाद में जाता हुआ वो, आपने देखा ही होगा बिग बॉस में। कर लो तुम्हें जो बात करनी है, तुम्हें जैसा जो करना है वो कर लो। मगर भाई अगर इतना ही तुझे चिल्लाना वो बोलना इतना था तुझे तो बोलता ही मत, है ना। बट कोई दिक्कत नहीं हो, तेरी मर्जी है, बोला तो ना मेरे को बहुत अच्छा दिल से लगा, ठीक है ना। और दूसरी बात कौन सी थी, जो वो मेरा ये बेस्ट फ्रेंड अभिषेक जो है उसमें बिग बॉस के अंदर, जल्दी जल्दी बोल लूँगा इस हाथ में दर्द हो रहा, आज फिर उसने लड़ाई कर ली तहलका भाई के साथ। वो तो आपने देखी बड़ी सेंटी लड़ाई हुई है भाई साहब कसम से। मैंने यार अपने फ़ोन की वो रिकॉर्डिंग भी ऑन करी थी कि उसकी थोड़ी सी क्लिप उठा लूँगा, बट वो पता नहीं बिल्कुल ब्लैंक हो रही थी, आई डोंट नो क्यों क्या हो रहा है उसमें। टीवी में से मैंने बनाई नहीं थी, पता नहीं किस लिए, क्योंकि मैं कैसे फ़ोन में अच्छी क्वालिटी आ जाती, क्योंकि मैं फ़ोन में देख रहा था ना, बट वो भी नहीं हो पाया, ठीक है ना। और तहलका भाई देख रहा क्या तगड़ा तहलका मचा रखा है, भूतनी का तू कितनी टॉप टॉप गाड़ी देता है वो, देख रहे हो ना गाइस। एक सेकंड रुक जाओ मम्मी, मेरी टिप्पणी खत्म होने दो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है गाइस बहुत बुरी तरह। और जो सबसे उसमें हर्ट करने वाली बात थी, आज जो बाबू भैया को उसमें टारगेट करा गया, किस वजह से, बिग बॉस ने करा है, वो सबको अकेले में बैठा के बात करता है बिग बॉस, बट बाबू भैया को ही जो UK 07 राइडर है उसको इस सबके सामने बैठा के क्यों मजाक बनाया गया उसका, ये बहुत गलत करा है बिग बॉस ने, ठीक है ना। बट कोई दिक्कत नहीं, हम आपको डेली अपडेट देते रहेंगे। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है गाइस बहुत ज़्यादा, वीडियो पर लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, उससे क्या होगा न्यू वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप देख सकते हो। हाथ मेरे टूटने को हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।